पारिस ओलंपिक्स लो भारत रेजलर अमन सेहरावत सत्ता चाटाडु स्टार रेजलर विनेश फोगाट पसिडी पतक आशलु आवरैन वेळ नेनुन्नानंटू युव रेजलर अमन सेहरावत चिरुतला दूसुकोच्चाडु तन उडुं पट्टुतो प्रत्यर्थिकि चुक्कलु चूपिंचाडु फलितंगा मेन्स 57 केजील्लो कांस्यं नेग्गि रेजलिंग लो तोलि मेडल अंदिंचाडु देशानिकि ओलंपिक्स लो व्यक्तिगत पतकं गेलिचिन अति पिन्न वयसु कलिगिन भारत अथ्लेट गानु रिकार्ड क्रियेट चेशाडु అంతేకాదు కాంస్య పతక పోరు కోసం అతను 10 గంటల వ్యవధిలో ఏకంగా 4.6 కేజీల బరువు తగ్గినట్లు రెజ్లింగ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కాంస్య పతకం సాధించిన అమన్ని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అభినందించారు. ఇక భవిష్యత్తులో గోల్డ్ మెడల్ ఖచ్చితంగా సాధిస్తానని ధీమాగా చెప్తున్నారు రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్ అమన్. 57 కిలోల విభాగంలో కాంస్య పతకం సాధించడం గర్వంగా ఉందంటూ టీవీ9తో ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడారు. कुश्तीतला ओलंपिक वीर अमन आपल्याबरोबर. अमन जी, सबसे पहले स्वागत है TV9 नेटवर्क में. पहले हमारे दर्शकों को मेडल दिखाएंगे क्योंकि कुश्ती का एकमात्र आप पहलवान थे और ये एकमात्र मेडल आया है. बड़ी जीत हासिल की है आज, बड़ा जश्न का दिन है. हाँ जी, मतलब बहुत खुशी हो रही है जी ये मेडल लेके. ये जो आप 17 साल में प्रैक्टिस करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं जिसके कारण ये मेडल आज आपने जीता है? प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं, मतलब इतनी कम करते हैं तो यहाँ पर मेडल नहीं आता, तो इसे अंदाजा लगा सकते हो कितनी प्रैक्टिस करते होंगे. विनेश फोगाट का थोड़ा प्रेशर था वेट घटाने के लिए. वैसे आप खाना खाते कम है, तो वो सब प्रेशर हैंडल करके मेडल तक जाना एक बहुत मुश्किल है. ये सफ़र कैसा हुआ? ये बहुत मुश्किल है, मतलब पहले दिन तो वजन दिखा देते थे भाई कई दिन का कम करते करते, तो मतलब अगले दिन जो वजन दिखाना पड़ता है वो एकदम घटाना पड़ता है. कुल बस 10 घंटे मिलते होंगे मुश्किल से, तो उस 10 घंटे में तो वजन उतना ही फिर दिखाना पड़ेगा. वजन परफेक्ट हुआ, फिर आप मेडल जीता, तिरंगा ऊपर गया, देश का गौरव बढ़ा. वो क्षण में क्या विचार थे, क्या प्राउड फील हुआ था? मतलब यही था कि भाई देश का तिरंगा एकदम ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे तो नहीं. पर ऐसा लग रहा था भाई ये गोल्ड पे जाता तो और भी अच्छा होता, बहुत खुशी हो. पेरिस ओलंपिक मध्ये कांस्य पदक, पण पुढच्या ओलंपिक मध्ये सुवर्ण पदक जिंकण्याचा निर्धार या पैलवानांनी केला आहे. TV9 मराठीसाठी संजय दुजाने, पॅरिस ऑलिम्पिक.